दो ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका यूट्यूब वीडियो वायरल भी होगा और लाखों में व्यू जाएगा। आप लोगों ने एक कहावत तो सुना होगा कि सीधा उंगली करने से अगर घी नहीं निकलती है तो टेढ़ा उंगली करने से घी निकल जाती है। तो उसी तरह अभी टेढ़ा उंगली करने वाला जैसा ही ट्रिक लेके आ गया हूं, तो आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपका वीडियो वायरल भी होगा और लाखों में व्यू जाएगा, ये 100% है। तो आज का मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ये वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड है और YouTube से रिलेटेड वीडियो देखिए आप लोग, क्योंकि एक बार अगर YouTube पे आप लोग सक्सेस कर जाते हैं तो आपका लाइफ बन जाएगा। देखिए बहुत क्रिएटर लोग हैं ना जिनके चैनल पे 15, 20, 50, 30 व्यूज आते हैं, 50 व्यूज आते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनका जब व्यूज नहीं जाएगा तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा, वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, तो वो लोग पैसा कैसे कमाएंगे। तो उनके लिए जो मैं ट्रिक आज बताऊंगा, देखिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है न्यू चैनल को, क्योंकि न्यू चैनल को यूट्यूब ने प्रमोट नहीं करता है, जिनके कारण उनका व्यूज नहीं आता है। वो चाहे कितना हो अच्छा वीडियो बना दे, कितना हो अच्छा से अपना टाइटल डाल दे, डिस्क्रिप्शन डाल दे, टैग डाल दे, थंबनेल लगा दे, फिर भी व्यूज नहीं आता है। तो आजकल के जमाना ऐसा हो गया गाइस कि सीधा उंगली से घी निकलता ही नहीं है, टेढ़ा उंगली तो करना ही पड़ेगा। वही ट्रिक जो मैं बताऊंगा अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका व्यूज का प्रॉब्लम धीरे 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 सॉल्व हो जाएगा और आपका चैनल भी ग्रो होने लगेगा। तो आज की वीडियो मेरा पूरा देखिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है या पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन घंटी को दबा दीजिए और एक वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो ही समझ पाइएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। देखिए जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो मेरा इस चैनल पे है तो मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा और अच्छा खासा व्यूज भी आएगा, और यही वीडियो को मैंने दूसरा न्यूज चैनल पे डाल दू तो उस पर व्यूज भी नहीं जाएगा, बिल्कुल 7-8 व्यूज जाएगा और रुक जाएगा, क्योंकि पुराने चैनल को ज्यादा सपोर्ट करता है और न्यू चैनल को सपोर्ट कम करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपको भी पता है कि हर रोज ही समझिए तो हर रोज ही लाखों करोड़ों में चैनल क्रिएट होते हैं यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब ने भी अगर इतना आसानी से अगर सबका व्यूज लाना चालू कर दे, रिकमेंड करना चालू कर दे, वायरल करना चालू कर दे, तो पता चलेगा कि वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो पुराना चैनल होता है उनको ज्यादा सपोर्ट करता है। तो आज के वीडियो में जो बताऊंगा आप लोग को, अगर आपका न्यू चैनल है तो भी ये ट्रिक अपनाइए, अगर पुराना चैनल है तो भी ये ट्रिक अपनाइए, जब आपका कुछ ग्रो हो जाती है तो फिर आपको ये ट्रिक नहीं अपनाने का जरूरत है, आपका खुद वायरल होने लगेगा। क्योंकि गाइस मैं बता दूं, ये ट्रिक मैं जो बताने वाला हूँ ये ट्रिक अभी तक कोई यूट्यूबर वाला भी नहीं बताया है और नहीं बताते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बताते हैं कि आप लोग को सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा और आपका वीडियो वायरल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण मैं भी अपना यही ट्रिक मैं भी अपनाता हूं और अभी भी अपना रहा हूं और धीरे धीरे अपनाते अपनाते अभी इतना ग्रो कर लिया हूं और थोड़ा सा और मेरा ग्रो हो जाएगा तो फिर ये ट्रिक अपनाना छोड़ दूंगा। तो आप लोग भी इसी ट्रिक को अपनाइए और अपना चैनल को ग्रो कीजिए। एग्जाम्पल मैं बता दूंगा इसकी, बहुत आदमी को मैं देख रहा हूँ और देखते अभी तक आ रहा हूँ कि व्यूज का ही प्रॉब्लम है, उन्होंने इतना अच्छा वीडियो भी बनाते हैं, टाइटल भी अच्छा डालते हैं, टैग भी अच्छा डालते हैं, थंबनेल भी बहुत अच्छे बनाते हैं, फिर भी उनके चैनल पे व्यूज नहीं आता है। इसके कारण वो मायूस होकर अपना वीडियो बनाना भी छोड़ दिया है, बहुत लोग ने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो लगातार फोकस कीजिए और कुछ कुछ ट्रिक जो होता है उस ट्रिक को अपनाइए, क्योंकि आजकल का जो जमाना चल रहा है उंगली टेढ़ा कीजिएगा तो ही आपको घी निकलेगा, तो ऐसा ही यूट्यूब पर भी आ गया है। तो अगर आप लोग ऐसे ट्रिक को अपनाते हैं ना तो आपका भी वीडियो ग्रो होगा और आपके वीडियो पे व्यूज भी आएगा, और जब व्यूज आने लगेगा तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब व्यूज आने लगेगा तो आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है, अगर न्यू चैनल है तो आपका सब्सक्राइबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसके बाद में आपका वॉच टाइम भी काउंट होगा और तुरंत आपका मोनिटाइज भी हो जाएगा। जब मोनिटाइज हो जाएगा तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि सबका प्रॉब्लम यही है कि कैसे भी करके मेरे चैनल पे व्यूज आना चाहिए और मेरा वीडियो वायरल होना चाहिए। वायरल होगा और व्यूज आएगा तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आपका चैनल ग्रो होगा, तभी आप लोग पैसा कमा सकते हैं, वरना नहीं कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं जो ट्रिक लेके आया हूँ एग्जाम्पल एकदम न्यू ट्रिक है और ऐसा ऐसा ट्रिक को आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि गाइस मैं बता दूं ये ट्रिक मैं खुद अपनाता हूं, अभी भी अपना रहा हूं, इसीलिए आप लोग को भी मैं बता रहा हूं। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर आप खाली शॉर्ट एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, अभी कुछ YouTube के बारे में बताइए जिससे मेरा चैनल ग्रो हो जाए, वीडियो पे व्यूज आने लगे, मैं YouTube से पैसा कमाने लगूं। इसके कारण मैं सोचा हूं कि अब आप लोग के लिए YouTube से रिलेटेड भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। जब आप लोग मेरा वीडियो पूरा वॉच करना चालू कर दीजिएगा और देखना चालू कर दीजिएगा तो आप लोग को YouTube से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा और शॉर्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा। तो मेरा कोई भी वीडियो जाएगा तो आप लोग को वॉच कीजिएगा पूरा।
तो गाइस मैं बता दूं, मैं आप लोग से बहुत ज्यादा बात कर लिया और समझा भी दिया, पर अब चलिए मैं ट्रिक जो बताता हूं अपने मोबाइल डिस्प्ले पे लेके चलता हूं आप लोग को और बताता हूं, आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। जैसे कि गाइस मैं बता दूं, चलिए मैं यूट्यूब पे लेके चलता हूं और आप लोग को दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब मैं खोल लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मेरा यूट्यूब है और आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो मेरा वायरल वीडियो दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये सब मेरा वायरल वीडियो है, ठीक है। तो गाइस मैं इसमें कौन कौन सा ट्रिक अपनाया हूँ वो ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग गौर से देखिएगा, चाहे आपका न्यू चैनल हो, चाहे ओल्ड चैनल हो, चाहे पुराना चैनल हो, ठीक है। हर चैनल पे आप लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं जब तक आपका व्यूज नहीं आता है। तो गाइस देखिए इसे मैंने कौन कौन सा ट्रिक अपनाया है, तो चलिए मैं एक वीडियो चला लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो एक जो ट्रिक है वो वीडियो अपलोड करते समय आप लोगों को करना है, और जो दूसरा ट्रिक है जब वीडियो मैंने उस तरह अपलोड कर दिया वो ट्रिक अपना के फिर भी व्यूज नहीं आ रहा है तो अब दूसरा ट्रिक आपको अपनाना है, ठीक है। वो बने रहिए, वीडियो में दिखाता हूँ आप लोग को दोनों ट्रिक। यहाँ पे देखिए अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आपने जैसे कि सही से इधर देख लिए कि यहाँ पे आप अपना क्या किए कि अपना टाइटल भी सही से डाल दिए, डिस्क्रिप्शन भी सही से डाल दिए और टैग भी सही से डाल दिए, ठीक है। पर आप लोग को पहले करना क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं क्या किया हूं वो दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो में बने रहिए, यहाँ पे देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को जैसे कि आप लोग को क्या करना है, ठीक है। वीडियो अपलोड करते समय भी कर लेंगे तो भी चलेगा, वरना अगर नहीं किया है तो अनलिस्टेड में आप लोग वीडियो अपलोड कीजिएगा और अपना YT स्टूडियो में भी जाके ये ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर वीडियो अपलोड करते समय कर देते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं किए तो आप लोग वीडियो अपलोड करने के बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूं, देखिए यहां पे क्या करना है आपको मैं दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए यहां पे हैशटैग लगाना है पहले डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिएगा जो कैटेगरी का आपने वीडियो बनाया, ठीक है, उसी कैटेगरी को आपको यूट्यूब पर पहले सर्च मार लेना है कि बहुत ज्यादा आपको क्रिएटर मिल जाएंगे, बड़े बड़े क्रिएटर, छोटे क्रिएटर नहीं, बड़े बड़े क्रिएटर। तो उनको क्या करना है आपको पता है, वीडियो अपलोड करते समय आपको क्या करना है कि अपना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने भी ये ट्रिक अपनाया है तब जाके वीडियो वायरल हुआ है, वरना नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं सामने, जैसे कि पहले हैशटैग लगाना है और वो क्रिएटर को, वो यूट्यूबर को नाम यहाँ पे आपको टैग करना है, हैशटैग लगा के जो नाम से आपको पहले 10-15 यूट्यूबर देख लेना है कि जो कौन सा ग्रो में चलता है, ठीक है, उनको आपको नाम लिख लेना या याद कर लेना या सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आपको क्या करना है कि हैशटैग लगाना है, हैच लिख के हैच वहां पे दबाकर, और आपको क्या करना है कि उनका नाम सर्च करना है तो आपको वहां पे सामने आ जाएगा, आ जाएगा तो आपको उनका नाम यहाँ पे टैग कर देना है, ठीक है। यानी कि हर वीडियो में एक ही ट्रिक अपनाते जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में अपनाया नहीं हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। एक वीडियो में अपनाएंगे तो नहीं होगा, आप जो वीडियो में जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं होता तब तक आपको ये ट्रिक अपनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8-10 क्रिएटर जो बड़े बड़े हैं जिनका ग्रो चैनल चलता है उनको क्या करना है कि आपको यहाँ पे हैशटैग लगा के टैग कर देना है अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैंने भी ये ट्रिक अपनाया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैशटैग लगाना है और नाम यहाँ पे टैग कर देना है 10-15 को, और उसके बाद में आपका जो कैटेगरी का वीडियो होगा उस कैटेगरी का भी आपको हैशटैग लगा देना, क्योंकि हैशटैग बहुत ज्यादा मायने रखता है। इससे क्या होगा कि अगर वो वीडियो आपका, जैसे कि उनका वीडियो कोई देख रहा है तो उनके सुगेश में उसके नीचे में आपका वीडियो वहां पे चला जाएगा, उससे क्या होगा कि उनका वीडियो जब वॉच कर लेगा तो आपका वीडियो, वो व्यूअर्स आपका वीडियो वॉच करेगा, ठीक है, ऐसे टैग करने से। तो आपको ऐसा करेंगे तो ये एक ट्रिक है, ये वीडियो अपलोड करते समय करना है। और गाइस मैं बता दूं, देखिए अगर ये ट्रिक भी किया और फिर भी नहीं आया, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया तो 24 घंटा तक देखना है आपको, अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, फिर यहां से आ जाना है, ठीक है। आने के बाद अपना YT स्टूडियो में चले जाना, चलिए मैं दिखाता हूं आप लोग को यहाँ पे YT स्टूडियो में जाके। देखिए मैं YT स्टूडियो में आ गया हूं, और आने के बाद इसमें बता दूं आपको, देखिए जैसे कि जो भी आपका वीडियो है उस पर क्लिक कर लेंगे, वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए
मान लिया कि मेरा ये वीडियो है, ठीक है, मैंने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया, अभी थोड़ा मेरा नेट भी स्लो चल रहा है, और यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा, यहाँ पे देखिए गो टू वीडियो एनालिटिक्स, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक किया, और करने के बाद आपको ऊपर यहां पे क्लिक करना है, यहां पे देखिए ये जो सर्च वाला जो है ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूं, और करने के बाद गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पे ऊपर भगाना है। तो देखिए यहां पे दो ट्रिक है, वीडियो अपलोड करने के बाद जब 24 घंटे तक आपका व्यूज नहीं आता है तब ये ट्रिक आप लोग को अपना लेना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या करना है, यहां पे आपका YouTube ने सुगेस्ट कर देता है कि आपको टैग में क्या डालना चाहिए, आपका वीडियो क्या सर्च मारने पे आ रहा है। तो यहां पे देखिए मेरा यहां पे सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको यहां से देखिए यहां पे क्लिक करता हूं मैं, देखिए इतना ज्यादा है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो ऊपर में जो है उसका 10-15 कीबोर्ड ले लेना है। अगर इसमें से कीबोर्ड कैसे निकालना है तो वो मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो एक टेक्स्ट का आता है उसमें भी करके निकाल लीजिएगा, अगर उसमें नहीं हो रहा है तो आप एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां से आप देख देख कर लिख कर भी अपना टेक कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, आसान तरीका है। नहीं तो हम लोग तो क्या करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और एक एप्लीकेशन और मैं बताऊंगा अभी जिससे उसमें जाता हूं तुरंत कॉपी करके निकालता हूं तुरंत पेस्ट कर देता हूं, हो जाती है अपना काम। ये ट्रिक हो गया, ठीक है। और एक और ट्रिक देखिए, यहां पे आपको दिखेगा, यहां पे देखिए कॉन्टेक्ट सुगेस्ट द वीडियो, ठीक है। तो जैसे कि इसका मतलब हुआ कि आपका कौन सा दूसरे का चैनल का वीडियो में आपका वीडियो वहां पे सुगेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो भी दिखाता है। तो यहां पे मैं दिखा दू, यहां पे देखिए अभी क्लिक करता हूं, तो मैंने क्लिक किया गाइस, और देखिए यहां पे ये ऊपर दिखाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऊपर का 3 से 4 वीडियो पे क्लिक करना। चलिए मैं एक वीडियो पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक कर देता हूं, कौन सा वीडियो को मेरा वीडियो पे सुगेस्ट में मेरा वीडियो जा रहा है वो दिखाता हूं आप लोग को। देखिए ये हमसे सीनियर है, इस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो इनके वीडियो को नीचे मेरा वीडियो सुगेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 24 घंटे के अंदर यूट्यूब बगैजा बता देता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि इनका ये जो टाइटल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो टाइटल है, ठीक है, इस टाइटल को आपको यहां से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो आपको कॉपी करने आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर भी निकाल सकते हैं वहां से जाके, जो मैं बताऊंगा अभी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीनशॉट अभी ले लेना है इस तरह आपको, और लेने के बाद यहां से देख देख के आपको एक टेक्स्ट पे जाकर लिख देना है, और लिख के आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि 3 ऐसा वीडियो में से आपको ले लेना है और आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहां पे आपको यहां पे दिखाता हूं आपको, जैसे कि ये मेरा YouTube में आ गया हूं, देखिए यहां पे आपको ये 1, 2, 3 लास्ट 4 वीडियो तक, ठीक है, 4 वीडियो को सुबह से ऊपर का वीडियो ही लीजिएगा, ठीक है। जिसको क्या करना है कि आपको वहां से क्लिक कीजिएगा तो तुरंत जो वीडियो में सुगेस्ट कर रहा है वो वीडियो चलना चालू कर देगा। तो यूट्यूब पर से जाके देखिएगा, और उसका जो टाइटल जो डाल रखा है उन्होंने, उस टाइटल को आपको कॉपी कर लेना है या लिख लेना है कीबोर्ड में, और अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऊपर से लाइन से चारों वीडियो में से जो लिए है उसको लिख देना है, वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका वीडियो वायरल ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है कि उन्होंने ऐसा कुछ अपने टाइटल में लगाया जिसके कारण उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके सुगेस्ट में आपका वीडियो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये डाल देते हैं तो आपका और ज्यादा वीडियो वायरल होगा, ठीक है। तो ये रियल आप लोग करके देखिए, मैं बोलता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका वीडियो वायरल होगा, क्योंकि ये ट्रिक मैं भी अपनाता हूं अभी भी, ऐसा नहीं है कि पहले भी अपनाया अभी भी अपना रहा हूं, जब तक मेरा और भी चैनल ग्रो नहीं हो जाता तब तक अपनाऊंगा। तो गाइस मैं ये बता दिया, ये ट्रिक अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो 100% है कि आपका वीडियो वायरल होगा तो होगा। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो उस पे बना के दूंगा आप लोग को, ठीक है। और देखिए यहां से जो भी आपको जो मैं बताया था कॉपी करने के लिए, ठीक है, तो यहां से अगर जो भी आपको प्रॉब्लम होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
तो आपको मैं यहाँ पे निकल लेता हूँ और दिखाता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे आपको ये जो देख रहे हैं एप्लीकेशन कॉपी टेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी का भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन को आपको कॉपी करना है तो आप बगैर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसमें जाकर पेस्ट कीजिएगा, तुरंत आपको वहां से कॉपी करने का ऑप्शन दे देगा उसका लिखा हुआ, आपको लिखने का कीबोर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन के मदद से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये ट्रिक को अगर आप लोग अपनाइए आपका वीडियो 100% ग्रो होगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए टेक के बाय।